हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मुझे उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे। किसी के पास है क्वेश्चन मंगल होंगे। आज चैप्टर थर्ड 10th क्लास एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा फोकस करना है। इसमें बेस क्लियर मैं बता चुका हूँ, ठीक है? तो आप पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे पेपर में। अच्छे से ध्यान लगाना, ठीक है? और सारी चीज़ स्टेप स्टेप बताऊंगा, जहाँ शॉर्टकट हो वहाँ शॉर्ट बताऊंगा। और आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्वेश्चन इतने इतने इंपॉर्टेंट है, आप खुश हो जाओगे। शॉर्ट में भी है और कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड का, 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है? तो पूरा पूरा ध्यान देना। मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और सीखिए, मतलब बेस क्लियर करके चलना, चाहे कुछ भी हो। पहला क्वेश्चन आपका है, स्क्रीन पे देखिए। 4x² 4x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। टू एक्स प्लस के वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर कैसे हूँ पैरेलल, फाइंड के। ये क्वेश्चन है, फाइंड के। ए की वैल्यू आ गई इसमें 3 माइनस 3 6, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपको पता है लाइन्स आर पैरेलल होंगी, तो उसका फंडा पता आपको, a1 / a2 इक्वल टू b1 / b2 नॉट इक्वल c1 / c2। तो फंडा होता है, तो a1 कितना आपका 4/2 और -6/k। भाई a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो a1 दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस आपको और कर दिया। 2 से कितने में कटा ये, 2 से कट गया ये 2 बार और 2 से कट गया 3 बार। तो k इक्वल टू कितना आया, 3 आया। किसका आया, माइनस का। आपका आंसर समझ आ गई ना? कि ज़्यादा टिपिकल नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजीली है। a1 / a2 b1 / b2 इक्वल में फिर नॉट इक्वल c1, तो c1 c2 लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक बच्चों? जैसे पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन कौन कौन सी है, ax + 2y - 7 और 3x + by = 10। 16 है, 16 है कितना, 16 आर पैरेलल। आर पैरेलल, ठीक है? तो देन क्या होगा, तो चार ऑप्शन दिए वहां पे। a = 2b दिया है, b दिया आपका a + b = 0, a b = 6 और d नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है? तो क्या कह रहा क्वेश्चन, आर पैरेलल, वही सेम ऐसी फॉर्म, सेम ही फॉर्म लगेगा भाई। a1 / a2 b1 / b2 ये करने की जरूरत नहीं है, रोसना करना। ab = कितना आएगा, ab = 6। 2 3 जा, आपका आंसर आ गया। आसान लगा नहीं लगा क्वेश्चन भाई? पहले लाइन में a1 / a2 b1 / b2 आप ये अप्लाई कर दो, a2 = 6, ये कंडीशन आ गई। किसी में तो k की वैल्यू पूछी होगी इसमें, तो देन कौन सा करेक्ट आंसर है ये पूछा होगा, कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है?
समझ आ गया क्लियर एकदम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं थर्ड, देखिए क्या कहता है थर्ड। एक पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट ठीक है, तो ए पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या लिखा है इसमें, इज कंसिस्टेंट, इज कंसिस्टेंट ये लिखा होगा, इसमें ऑप्शन दिए होंगे, देखिए कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, तो यहाँ लिखा होगा पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन भी दिया होगा आपका, ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट ठीक, सी आपका दिया होगा, इंटरसेक्टिंग ऑलवेज इंटर सेक्टिंग डी नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन दिया है। तो देखो इनकंसिस्टेंट कौन सा होता है बताना आप, इनकंसिस्टेंस क्या होता है ठीक है, अच्छा अच्छा सॉरी यहाँ लिख लो आप, कौन सा ही डेंट एंड इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट ठीक है। तो देख कौन सा कंसिस्टेंट क्या होता है, इसमें तीनों ही गुण होती हैं या इंटरसेक्ट, तो दोनों आएंगे इसमें, कौन सा आइडेंटिटी के लिए होता है और इंटरसेक्टिंग के लिए, दोनों के लिए होता है कंसिस्टेंट, कौन सा आइडेंट लास्ट वाले नंबर, क्योंकि देखो इंटरसेक्ट ऐसे होती है और ये भी इसके इंटरसेक्ट जा रही है क्योंकि उसके ऊपर ही है, इसे कौन सा एक लाइन ऊपर हो दूसरे के, एक लाइन दूसरे ऊपर हो उसको कहते हैं कंसिस्टेंट, तो दोनों आंसर आपका इन कंसिस्टेंट में आएंगे, किस में आएंगे कंसिस्टेंट में ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर फोर ठीक, अब जैसे लिखा सॉल्व रूट थ्री एक्स रूट फाइव वाई इजिकल टू जीरो एंड रूट फाइव माइनस प्लस टू रूट वाई इजिकल टू जीरो सॉल्व करना है, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स एंड वाई ये क्वेश्चन करना है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी मेथड बताऊंगा इसका। देखो एक्स और वाई दिया, कोई प्लस माइनस कोई नंबर नहीं इधर, नहीं इधर नंबर कोई जस्ट टू एक्स ठीक है, तो इसे सॉल्व करते चलो, ए के जी पॉइंट देखें टू रूट थ्री, बी के पॉइंट थी आपके रूट टू रूट फाइव और सी के पॉइंट दिए आपके रूट टेन, रूट टेन और रूट टू और डी आपका है जीरो जीरो, ये क्वेश्चन दिया है ठीक है। बहुत आसान तरीके कर रहा हूँ, देखो एक्स और वाई यहाँ प्लस माइनस कोई नहीं है, एक्स वाई कोई नहीं, तो आंसर हमेशा जीरो जीरो, तो सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर बता रहा हूँ, अगर देखो ये लाइन हमेशा कहाँ से जाती है, ध्यान रखना ऐसे जाएंगी लाइन, ये लाइन हमेशा देखो सुनो, अगर ये माइनस से इधर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस का हो जाए तो मतलब कहना था एक्स बराबर वाई, तो लाइन ऐसे जाएगी, ये किसका साइन है, इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो लाइन ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे रूट टू है कितना आया, जैसे रूट टू एक्स बराबर रूट फाइव वाई हमेशा ओरिजिन से जाएगी, और ये वाली लाइन रूट फाइव एक्स
-√2y तो वैसे इससे ओरिजिन है, तो आंसर 0 0 आएंगे इसके, इसके आंसर 0 0 आएंगे। तो देखो आपने देखो 2x प्लस 3y माइनस 7, ये कभी ओरिजिन से नहीं, क्योंकि इसमें ये नंबर ऐड हो गया, ये 7 नंबर ऐड हो गया, या कोई भी नंबर हो यहाँ पे तो वो ओरिजिन से नहीं जाएगा, बाकी ऐसे हमेशा ओरिजिन से जाएगा, ध्यान रखना। तो इसका सॉल्यूशन पूछ है, यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है, ओनली एक्स और वाई की टर्म में आंसर है, एक्स और वाई की कोफिशियंट हैं, नंबर कुछ भी हो सकते हैं प्लस माइनस, ये यहाँ कोई नंबर ऐड मतलब कोई कांस्टेंट नंबर नहीं इसमें प्लस माइनस, तो आंसर हमेशा इसके 0 0 आएंगे, आंसर हमेशा 0 0 आएंगे, ध्यान रखना इसको, बस शॉर्ट करना, ज़्यादा लंबा करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर बहुत शॉर्ट में था ये, सेकंड आंसर आ गया, 1 सेकंड टिक लगा देना बस। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज इक्वल टू -7, ऑप्शन दिया होगा लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक, और सी पॉइंट दिया आपका लाइन पासिस ओरिजिन, और डी दिया आपका नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन है, तो मैं बता रहा हूँ बहुत सॉल्व नहीं करना इसको, अगर वाई इक्वल टू दिया है तो लाइन हमेशा एक्स की पैरेलल होगी, और एक्स दिया है तो वाई की पैरेलल होगी, इसको समझ 5 है 6 है आपका, जैसे एक्स इज इक्वल 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कोई भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कोई भी ऐसा हो, यहाँ कुछ भी ले लो, 8 ले लो, 9 पैरेलल टू वाई एक्सिस, ए पॉइंट दिया है, बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस ले लो, और सी दिया है पासेस थ्रू ओरिजन, पासेस थ्रू ओरिजन, और डी आपका नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन है, नन ऑफ दीज, ठीक है ठीक है। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू, देखो ये वाई नहीं दिया इसमें, जैसे ये क्वेश्चन था ऐसे ही इसमें वाई नहीं दिया, तो हमेशा हमेशा किससे पैरेलल होगा, ये वाई एक्सिस से पैरेलल होगा, कैसे 2x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या है 0, एक्स कितना है -8/2 -4 आया नहीं आया, इसकी लाइन जो आएगी ना हमेशा -1, ऐसे कर लो, ये वाई ये एक्स ये एक्स ये वाई, आंसर तो आ गया, एक्स इजिकल टू हमेशा वाई की पैरेलल होती है, और वाई इजिकल हमेशा एक्स के पैरेलल होता है, शॉर्ट याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं, ठीक, बिल्कुल बढ़िया एकदम। देखिए एक्स कितना है -1 -2 -3 हो जाए कितना है -4, लाइन जो हो जाएगी ये कितना है -4, तो किसके पैरेलल जा रही लाइन बताओ, वाई की पैरेलल जा रही नहीं आ रही है, तो आंसर वाई की पैरेलल आएगा, एक्स यदि वाई दिया तो एक्स ही पैरेलल आएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, देख लो एक्स वाई दिया तो एक्स ही पैरेलल, और एक्स दिया तो वाई की पैरेलल, क्लियर हो बच्चों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये चैप्टर थर्ड कराने जा, थर्ड के क्वेश्चन है, पेपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी, आगे चलते हैं, फाइंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन,
थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू टू माइनस टू एक्स प्लस एट अपॉन थ्री वाई इज इक्वल टू एट। ठीक, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, सिस्टम ऑफ लाइन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखिए, चेक करना इसमें, एक तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन वी वांट है, नो सॉल्यूशन सी आपका दिया होगा, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन और डी आपका नन ऑफ डीज, ये क्वेश्चन दिया होगा नन ऑफ डीज। तो आसान बहुत होगा, देखिए दिस अपॉन दिस थ्री अपॉन कितना आएगा माइनस टू। ठीक है, बता सॉल्व करने का, डायरेक्ट कर दो, देखो थ्री अपॉन कितना करो, थ्री अपॉन माइनस टू और माइनस फोर अपॉन माइनस प्लस एट अपॉन थ्री और यहाँ करना टू अपॉन एट। यस, चेक करना तो थ्री अपॉन टू आ गया, ऊपर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में लगा दो, ये फोर वन टू पर जाएगा, टू पर जाएगा तो थ्री माइनस थ्री अपॉन टू, ये फोर से कैंसिल हो गया, थ्री पर पहुंच गया तो आ गया इतना, फिर टू अपॉन फोर कितना आएगा वन अपॉन टू। तो अब देता हूँ नॉट इक्वल है ही नहीं, तो अब ये इक्वल है तो नो सॉल्यूशन आंसर आएगा, पहली दो टर्म से इक्वल है, जब बता रखा है ए वन अपॉन ए टू और वी वन अपॉन वी टू और नॉट इक्वल सी वन अपॉन सी टू, अगर ऐसी कंडीशन है तो वो नो सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन लगा नहीं लगा, देखो भाई ये बेसिक चीज आपको अच्छी तरह नहीं चाहिए, ये बेसिक चीज है, इसमें आ गया तो आपके समझ में आ गया आंसर। ठीक है क्लियर एकदम। क्वेश्चन नंबर एट y माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो तो देन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस पासेस ओरिजिन, डी आपका आ गया नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन है। तो देखिए अगर एक्सिस मैंने बता रहा, अभी तो बता था वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाए, वो हमेशा ओरिजिन से जाएगी, किससे जाएगी ओरिजिन से, चाहे फिर सुन लो चाहे टू अपॉन थ्री वाई एक्स आ जाए, चाहे यहाँ फाइव आ जाए, ऐसे आ जाए, हमेशा ओरिजिन से जाएगी, किससे जाएगी ओरिजिन से। देखो पता रखा है पॉजिटिव हमेशा एक्स इज इक्वल टू वाई ऐसे जाएगी और नेगेटिव हमेशा एक्स बराबर माइनस नेगेटिव जाएगी। ठीक है, समझ आ गई ना, कि हमेशा ओरिजिन से जाएगी, बोथ एक्सिस को काटेगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन। ठीक है बच्चों, आसान है ना, क्वेश्चन नंबर नाइन ग्राफ ऑफ
लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ऑलवेज क्या होगा? सर्कल होगा कर्व्ड होगा स्ट्रेट लाइन होगी डी आपका नॉन ऑफ डीज। देखो लीनियर इक्वेशन कितने कैसे पावर जिसमें इवन होती है जिसमें डिग्री कितनी होती है वन, ऐसे डिग्री वन आ जाए उससे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो आंसर इसका स्ट्रेट लाइन आएगा हमेशा, जहां पावर वन होती है वेरिएबल पर उसकी उसमें हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है, पावर वन होती है, लीनियर को पावर वन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक में पावर दो होती तो वहां पर हमेशा कर्व आता है, क्या आता है कर्व। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 तो क्या होने का इसका आंसर स्ट्रेट लाइन आएगा, क्या आएगा स्ट्रेट लाइन। सॉल्यूशन ऑफ क्या पूछा है एक्स माइनस फाइव इक्वल टू 10, इसका क्या सॉल्यूशन आएगा ये बताओ, मैं क्या सॉल्यूशन आएंगे, क्या सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है इसके तो 5 0 10 5 15 15 और 5 डी नन ऑफ दीज आपका ये सी एस सी पार्ट। अच्छे देखो ए बी सी डी फॉर सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ ये आपका मोड है मोड एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं इसको ऑप्शन, इसके आंसर कौन से आंसर आएंगे बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है ऐसे मोड के क्वेश्चन, सेवन्थ क्लास में पढ़ गए होंगे, इसका बताने कितने सॉल्यूशन होंगे। तो सॉल्व करके दिखाता हूँ आप, बहुत ही मेथड है, एक बार तो इसको पॉजिटिव एक बार नेगेटिव खत्म करानी, एक बार तो आप लीजिए इसको पॉजिटिव एक बार लीजिए इसको नेगेटिव, समझ आ गई ना अभी, एक बार इसको पॉजिटिव लीजिए एक बार इसको नेगेटिव लीजिए, आपको इधर किसका हो जाएगा प्लस का, 15 ही नहीं आया इधर प्लस का 10 प्लस 5 15 हो गया, ऐसे इसको ले जाओ माइनस माइनस 5 प्लस हो गया इक्वल टू 10, ऐसे भी कितना आएगा माइनस 5 आया नहीं आया, अरे इधर के प्लस का होगा ना ये माइनस, तो माइनस 5 इधर पहुँच गया। मेरे कहने का मतलब है इसकी दो वैल्यू होती है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इसका आंसर कितना है 15 और माइनस 5 तो इसका आंसर नॉन ऑफ दीज है भाई, 15 आएगा और माइनस 5 आएगा तो ये आपका आंसर आ गया नॉन ऑफ दीज, क्लियर हो गया। एब्सोल्यूट वैल्यू की दो वैल्यू होती हैं, एक बार नेगेटिव देना एक बार पॉजिटिव देना आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गया, हो गया इंटरेस्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्वेश्चन तो कंसीग नहीं पड़ेंगे बच्चे आपको, 11 देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कौन सा आइडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन फाइंड करना है, इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्वेशन क्या एक्स माइनस क्या हमारी 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक तो क्वेश्चन तो 100% आना है देख लो, इसको प्रूव करके देख सकते हैं, एक नंबर एक लिखा हुआ वहाँ पर ठीक है, एक तो कंसिस्टेंट एक इनकंसिस्टेंट होगा, लाइन्स आर क्या होंगी कौन सा आइडेंट बी लाइन्स आर पैरेलल
आंसर इंटरसेक्ट और डी आपका है बोथ लाइन, पास से पास होंगी ओरिजिन से। ये क्वेश्चन है किससे पास होंगी ओरिजिन से, पास में बहुत है देखो दिस अपॉन दिस तो 1/2 आया, -3/6 आया और इक्वल टू -5/10 आया, तो 1/2 = 1/2 = 1/2 आंसर सेम आई नहीं आया, तो हम कह सकती है लाइन आर कैसी है कौन सा आइडेंट है, अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो उसे कहते हैं कौन सा आइडेंट, लाइन आर कौन सा आइडेंट होंगी तीनों को नीचे आ जाए तो ये फॉर्म बता रखा मैंने, ये बेसिक सी a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों इक्वल होते हैं उसमें ये कौन सा आइडेंट हो जाएंगे। ठीक बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्सिस वाई एक्सिस आपका चूज करना है, एक्स इज इक्वल टू दिया होगा कुछ ए मान लो लेट कुछ भी दिया है, वाई इज इक्वल टू दिया है बी, सी इज इक्वल टू एक्स पावर वाई, डी आपका दिया है वाई इज इक्वल टू जीरो, पता नहीं इक्वेशन लाइन किसके पैरेलल है वाई एक्सिस की, मैंने बताया वाई एक्सिस की पैरेलल होगी तो लाइन हमेशा एक्स पावर गिवन दिया होगा, एक्स इज इक्वल टू गिवन है तो वाई की पैरेलल होगी और वाई इज इक्वल टू गिवन है तो एक्स की पैरेलल होगी, तो आपका आंसर ये आएगा इसमें एक्स गिवन है तो वाई की पैरेलल लिख देना, वाई गिवन है तो एक्स की पैरेलल लिख देना, क्लियर हो गया 13। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस बताइए इक्वेशन वाई एक्सिस कौन सी होगी, इक्वेशन वाई एक्सिस डी आपका दिया है इक्वेशन वाई एक्सिस, हमेशा वाई एक्सिस इक्वेशन पूछे तो हमेशा एक्स पावर जीरो होता है, बता रखा मैंने, अगर ये वाई एक्सिस वाई है ये वाई एक्सिस है कौन सी है तो यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो होता है और ये एक्स एक्सिस है तो वाई इक्वल टू जीरो होता है, तो बता रखा मैंने इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस आ जाए तो आंसर लिख देना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आ जाए तो आंसर आपको ये लिख देना, क्लियर हो गई ना हो गई एक भाई क्लियर क्लियर कर दो क्वेश्चनों को, क्वेश्चन तो कहीं से आ सकता है सीधी बात, तो मैं बेस क्लियर के लिए ही चल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस आ जाए तो एक्स पावर जीरो लिख देना, इक्वेशन ऑफ द वाई एक्स एक्सिस आ जाए तो वाई इक्वल टू जीरो पुट कर देना, और ये हमेशा ओरिजिन से जाती जाती है, क्लियर हो गया। कई बार होता है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो ये बताना है x प्लस 3y ग्रेटर देन 3 सॉरी लेस देन, ठीक है बच्चों x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन क्या है 0, ठीक है सॉल्व, तो फाइंड वैल्यू पूछी होगी, सॉल्यूशन कौन सा है x इज इक्वल टू 2 y is equal to -1, v पॉइंट दिए होंगे आपके x is equal to -1 y is equal to 2, c दिया होगा आपको x is equal to 1 y is equal to 1, और d कितना दिया होगा इसमें x is equal to 0 y is equal to 0,
एक्स इजिकल टू वन वाई इजिकल टू वन ये आ गया। अब इसको सॉल्व तो कौन सा आंसर फिट होगा इसमें बताना, इसकी सॉल्यूशन कौन सा आएगा। तो ध्यान रखना एक चीज, एक्स और वाई के वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। इसका मतलब जानते हो, एक्स भी जीरो से बड़ा है वाई भी जीरो से बड़ा है, तो कौन सा पॉजिटिव दोनों देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये जीरो तो आपका आंसर है। आगे सॉल्व करने की उतनी कर लो, ठीक है समझ आ गई ना कि। तो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक समझ आ गई ना कि। तो ध्यान रखना इसमें ये क्वेश्चन क्या पूछा है, वन वन आ गया आंसर, वन और वन, वन वन रख के देख लो, वन प्लस थ्री ये तो थ्री फोर इक्वल टू आ जाएगा। तो मैंने कहा था दोनों पॉजिटिव आपका आंसर ये आंसर हो सकता है, बाकी और कोई नहीं है, क्योंकि सारी कैसे आ रही नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक ये पॉजिटिव बढ़िया, ये पॉजिटिव इसलिए आंसर आ गया, ये सीधी बात यह है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सॉल्व और एक्स एंड वाई इक्वेशन क्या है, 22 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 15 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 5, और दूसरी क्वेश्चन 54 अपॉन एक्स प्लस 5 और 45 माइनस कितना रखा है 14। ठीक तो ऑप्शन क्या क्या दिया होगा, 8 और 3 दिया होगा, ये कौन है मुझे कौन, और बी दिया होगा आपका 6 3, सी दिया आपका 3 6 और डी आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज ये क्वेश्चन है। ठीक है क्वेश्चन करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कर देखो, इसको सॉल्व कर तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको शॉर्ट मेथड होता है, शॉर्ट मेथड कि ज़्यादा हल करने को ऑप्शन से हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करोगे तो लेट इसको यू वी लेट करें तो बहुत टाइम लगेगा, एलिवेशन से काटोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको सिंपल मेथड अपनाना है, तो वैल्यू पुट करके देख लो कैसे, जैसे मैंने ये कितना होगा 8 + 3 कितना होता है 11 और 8 - 3 कितना होता है 5, तो 11 का डिवाइड कितनी बार किया इसमें 2 बार, 8 - 3 कितना 5 का डिवाइड कितनी बार किया 3 बार, तो इनका सब कितना आया 5, तो 5 ही तो आ रहा है, तो आपका आंसर पहला सही है। हल करने की दोबारा फिर देख लो, 8 यहाँ रखो प्लस 3 यहाँ 11, 11 का डिवाइड इसमें 2 आ गया। अब इनको डिफरेंस करो, 8 - 3 5 का दो 3 और 2 5, आपका आंसर ये फिट होना चाहिए बस, आपका आंसर याद, सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है अच्छा लगा ना क्वेश्चन 16, कौन सा 16 देखो, y इक्वल कितना दिया एक्स माइनस 3 एंड बोथ एक्सिस कौन सा ये वाली लाइन, ठीक है फॉर्मूले ट्रायंगल क्या बनाती है, एक लाइन ये बनाती है, दिस लाइन और ए ट्रायंगल फाइंड एरिया, क्या बनाएगी फाइंड एरिया, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है तो एरिया क्या आंसर आएगा इसका 6 आएगा, नाइन आएगा, सी आपका 3 आएगा और डी आपका नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चन,
वाई जी कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन है, वाई इजिकल टू रूट, यह मॉडुलस कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, मॉडुलस बोल दो, एब्सोल्यूट वैल्यू बोल दो, और एंड अच्छा सॉरी फाउंड ए ट्रायंगल फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्वेश्चन पूछा है। इतना शॉर्ट है, बहुत ईजी मेथड है, इसका स्कोर क्या होता है 9, ये आपका आंसर है। आप यहाँ 5 है तो 25 आंसर आता, यहाँ 4 है तो सॉरी 16 आंसर आता, यहाँ 2 है तो 4 आंसर आता, इसका स्कोर तो आपका आंसर एरिया आ जाएगा। इसका फिगर कैसे बनेगा बताता हूँ, 1 2 3 ऐसे बनेगा इसका फिगर, इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, तो आपका आंसर कितना आएगा, आ जाएगा भाई 3, ठीक है ठीक है। ऐसे में भाई 3 10 3 10 6 हो गया, और 3 यही तो 6 × 3 × 1/2 कितना आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। इसका फिगर ऐसे बनेगा इसका दाम है ना, लेकिन शॉर्ट में सिखाऊंगा तुम्हें, तुम्हें 3 का स्क्वायर करता हूँ 9, आपका आंसर आ जाएगा, 5 होता 25 आता, आपका आंसर आ गया। कहता मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आपको अच्छी तरह मिल जाए, और बहुत ही शॉर्ट मेथड मेरे पास हैं, और सारे चैप्टर के MCQ डाल चुका हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको बार बार रिपीट कीजिए, उन क्वेश्चन कीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी, और मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि NCERT आर डी शर्मा बहुत हैवी क्वेश्चन लाए वहाँ से निकाल निकाल के, और जरूरत पड़ेगी और वीडियो डाल दूँगा और अच्छे क्वेश्चन डाल दूँगा। जय भारत। ओके।